नमस्कार, सनमार्ग लाइव के लिए आज मैं हूँ रांची के बिरसा चौक पर। हमारे बीच वैसे लोग हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान ही नहीं करते, समस्याओं के निवारण भी करते हैं, और ये ऐसे निवारण करते हैं कि किसी पैसेंजर के पास पैसे नहीं होते तो उसे नहीं लेते हैं पैसे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाते हैं। तो इनसे हम जानेंगे ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर के इनका विचार क्या है। लोकसभा चुनाव की दुमदुमी बज गई है, किस नज़र से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? बहुत अच्छा है। अभी जो आपका 5 साल के रीजन काल में हर जंगल से जंगल में जाइए तो वहाँ रोड मिलेगा, इतना अच्छा विकास हुआ है। विकास की बात है, अब ऑटो लेकर के, चूंकि आप लोग ऑटो चालक हैं, आपकी क्या समस्या क्या? हमारी यही समस्या है कि हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम लोग के घर में हम लोग का हाल रोजगार जो है ऑटो ही है, ऑटो से ही हम लोग चलाते हैं, तो हम लोग का घर का रोजी रोटी चलता है, उसमें बाल बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई। ये तो स्वाभाविक बात है कि आप परिश्रम करते हैं तो ऑटो चलाइएगा। उसके बाद हम लोग को जो प्रशासन है गाड़ी पकड़ाता है, हम लोग का प्रशासन बोलता है पूरा पेपर लाइए तो आपका गाड़ी छूटेगा। पेपर का जो फाइन है, हम लोग आग्रह किया कि मिनिमम एक फाइन करके हम लोग का गाड़ी छोड़ा जाए। 2-2 महीना से गाड़ी हम लोग का थाना में है, और डीटीओ का और प्रशासन का कहना है ये तमाम पेपर आपके पास क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं है कि शुरू से हम थाना को पैसा दे के गाड़ी चलता था, थाना पैसा लेता था गाड़ी चलता था, और आज वो चीज़ बंद हो गया है। पैसा पेपर उसी का नतीजा है कि फेल हो गया। मतलब ये कि सरकार में ईमानदारी आ गई है तब तो ये हाँ, हो गया है। सरकार में ईमानदारी आ गई है जो कुछ हो। तो अभी पेपर तैयार करने में क्या असुविधा होती है? आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं। कहने का मतलब है ना कि सरकार को आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत सा ऐसा गरीब का जो लोन है माफ किया गया, लेकिन 2004 से रांची राजधानी का ऑटो चालक भी एक कर्जा के बोझ में दबा हुआ परमिट के नाम पे। एक परमिट अगर सरकार 2004 में आज दे देती तो आज करोड़ों रुपया जुर्माना ऑटो चालक को नहीं देना पड़ता है ना। लेकिन आज इन लोगों को नतीजा यही है कि यातायात प्रशासन रांची शहर में परमिट के नाम पे चलाने के नाम से जो जुर्माना लेते थे उसके कारण ऑटो चालक रांची शहर का कोई नहीं बनाने सका कागजात। लेकिन हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इन लोगों को भी मौका दिया जाए, और सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि जिसे सर्व गरीब को लोन माफ़ किया गया है। क्या क्या पेपर बनते हैं? देखिए, ऑटो चलाने के लिए फिटनेस बनाना है, पोल्यूशन बनाना है, इंश्योरेंस आपको करना है, तो ये सारे पेपर्स तो बनते हैं जी। पोल्यूशन का भी पेपर बनता है जी, और वो रोड परमिट भी बनता जी, है जी, जी, जी। इस बनाने में आपको असुविधा क्या है? असुविधा है कि सरकार बोल दिया है कि 2335 हम यहाँ रांची में परमिट दिए हैं, 2335 को चलने का हम इजाज़त दिए हैं, लेकिन जो ये रजिस्ट्रेशन 23,000 से ज़्यादा हो गया है वो लोग तो ऑटो मालिक तो अपना जगह जमीन बेच के बाल बचा के भविष्य के लिए ऑटो खरीदे, लेकिन यहाँ का यातायात प्रशासन आरटीओ डीटीओ एकदम ऐसा कमर कस दिए हैं, सिटी रेड बस को चलाने के लिए रांची राजधानी में गरीबों को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई गरीब को मरने नहीं देंगे। वर्ष 2014 के बनिस्पत अभी कितनी महंगाई बढ़ी है, क्या झेल रहे हैं महंगाई की सर? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। हम पढ़ लिख कर और ऑटो चलाते हैं क्योंकि हमारे पास सर कोई रोजगार नहीं है। हमारा ये मतलब मुख्य रोजगार ऑटो चलाना है, ऑटो चलाते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं सर। लेकिन आज ऐसा समस्या आ गया है, इस सरकार में तो सर मतलब रघुवर सरकार जी का दोष नहीं है, लेकिन प्रशासन इतना पैसा लेती है इसके बावजूद भी ऑटो पकड़ती मतलब है। मतलब भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार प्रशासन के विरुद्ध बिल्कुल है सर, भ्रष्टाचार है, तभी तो हमारा हमको परेशान किया जा रहा है। हमको रोजगार दिया जाए, ऑटो नहीं चलवाना है तो रोजगार दिया जाए। की बात पर क्या आप सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सहमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का दावा है कि गरीबों के लिए ये सरकार है और गरीबों के लिए काम कर रही है। सर ऐसा है ना कि प्रधानमंत्री जी जितने दावे किए हैं वो सारे झूठे हैं, अभी तक उनका दावा हम लोग को नहीं दिखा है। रहा बात जो हम लोग के पास था उसको भी लेने का काम प्रधानमंत्री जी किए हैं, देने का कोई काम नहीं किए, इसलिए उनका वादा का बात तो हम लोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जो भी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। एक बात बताइए कि जब आप सवारी लेकर के चलते हैं और सवारी के पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं आप? उसको फ्री में पहुँचाया जाता है, पैसे नहीं रहने के बाद में हम लोग फ्री से पहुंचाते हैं। जो सवारी बोल देता है कि पैसा नहीं है
तो फ्री में पहुंचाते हैं, अगर 5 रुपया की जगह में उसके पास 3 रुपया है तो फ्री में हम लोग पहुंचाते हैं। और बात रह गया कि ऑटो जो है वो 15 साल का जो टैक्स कट रहा है वो पहले कटता था 3 महीना का, अभी कर दिया 15 साल का। वो 15 साल का एक एक आदमी का 20-20 हज़ार रुपया हो गया है। गरीब आदमी अपना घर परिवार बाल बच्चा को जियाएगा कि 15 हज़ार रुपया और 20 हज़ार रुपया दे के टैक्स कटाएगा? इसके लेके मुद्दा और क्या कर रहा है कि यहाँ का झारखंड जो भी रांची का पदाधिकारी है, ये लोग इस मुद्दा पर लेके गाड़ी पकड़ के और डायरेक्ट भेज रहा है डीटीओ के पास। डीटीओ पूरा पेपर मांग रहा है, तो मानते हैं ठीक है पेपर मांग रहा है, तो 3 महीना का टैक्स क्यों नहीं कटा रहा है, क्यों 15 साल का टैक्स कट रहा है? सरकारी उपेक्षा का ऐसा क्या कारण है जो ऑटो चालकों पर कहर गिर रहा है? सर यहाँ समस्या है, 2004 से परमिट का समस्या है, परमिट का समस्या लेकर के यहाँ यातायात प्रशासन द्वारा टेम्पो चालकों से पैसा की उगाही की जाती है। आज वो सिटी एसपी, आज यहाँ के ट्रैफिक एसपी ईमानदार आए हैं, वो बोल रहे हैं कि आप अपना पेपर को दुरुस्त रखो, लेकिन यहाँ पेपर बनाने में 15 साल का एक बार जो टैक्स देना पड़ रहा है वो गरीब ऑटो चालकों की बस की बात नहीं है सर, है ना। इसलिए हम लोग एक दिन का बंदी भी करवाए थे कि सरकार हम लोग का कुछ सुने। और 2004 में जो परमिट का समस्या है 2235 का उसमें बहुत सा परिवहन विभाग द्वारा उस परमिट को बेच दिया गया है सर, परमिट को कालाबाजारी कर बेच दिया गया है, इन लोगों के पेट पे लात मारा गया है। और आज भी वही समस्या है, इनको पेपर के नाम पर कभी परमिट के नाम पर जगह जगह रोक करके यात्रियों को उतार करके थाना पे गाड़ी लगाया जाता है, 5,000 रुपया मिनिमम फाइन काटा जाता है इन लोगों का। एक बात बताइए कि मोदी सरकार का कार्यकाल अब समाप्ति है, लोकसभा चुनाव की घोषणा है, सरकार के कार्यकाल को कितना नंबर दे रहे हैं? कितना नंबर इनके कार्यकाल को से कितने संतुष्ट हैं और कितना नंबर देंगे? कार्यकाल से पब्लिक तो 60% तो खुश है, 40% खुश नहीं है। आपके हिसाब से अध्यक्ष जी आप बताइए, मोदी सरकार को कितना अंक दे रहे हैं अभी 5 साल के कार्यकाल को लेकर? देखिए ऑटो चालकों हम लोग को लेकर अगर 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 माना जाए गरीब ऑटो चालकों को देखते हुए कि मोदी सरकार को अंक दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि नंबर भी दिया जा सकता है सर। आज उस परिस्थिति नहीं है ऑटो चालक का, आज पूरे झारखंड प्रदेश में इस तरीका का ऑटो चालक के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। तो मोदी सरकार को नंबर अगर लेना है इन साल लोकसभा चुनाव में तो ऑटो परिवार को ध्यान देना होगा। अगर ऑटो परिवार को ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग तो सौगंध खा लिए हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव हो उसका बहिष्कार हम लोग पूरे ऑटो चालक मालिक का परिवार रोड में उतर के कर। नंबर में मैं अभी एक भी नंबर नहीं दे सकता हूँ, जिस रोज मेरा ड्राइवर का काम होगा उस रोज 10 के 10 ही नंबर में। आप कितना नंबर देंगे? मेरे तरफ से मोदी सरकार को अभी एक नंबर का काम नहीं कर रहे हैं, जब तक हमारे ऑटो चालक भाई खुश रहे। गरीबों के लिए तो सरकार उज्ज्वला योजना ले आई, सरकार ने कई योजनाएं दी है, जनधन योजना दिया, आयुष्मान ले आया, इससे ज्यादा और क्या लेकिन चाहिए? उसका लाभ हम लोग को नहीं मिल पाया, हम लोग तक नहीं पहुंच पाया है, तो उसको हम लोग कैसे माने कि हम लोग के लिए मोदी सरकार किए हैं? आखिर ऑटो चालक चाहते क्या है सर? ऑटो चालक इतना ही चाहते हैं कि जिस तरह आप बीच बीच में कागज बंद कर देते हैं बनाना गाड़ी का, वो अगर रेगुलर रहेगा तो गाड़ी वाले अपना कागज बनाएंगे और सही ढंग से चलेंगे। हर कोई का 2009 में जो परमिट दिया गया आज तक नहीं दिया गया, क्या हर कोई का 1-2% बढ़ता है? लेकिन ऑटो चालक के पास कोई ऐसा कागज नहीं है जो रेगुलर बनता हो, कभी परमिट तो उसके नाम पर लूटने का काम करते हैं, कभी फिटनेस तो वो बंद कर देते हैं करना और फिर लूटने लगते हैं रोड पर आकर, बीच में पैसेंजर को उतार देते हैं और उनसे भी पैसा तहसीलना शुरू कर। आप ही ऑटो चालक हैं, आपकी समस्या क्या है? मेरा जो ऑटो था ना सर, उसी से मेरा रोजगार चलता था, 10 फैमिली को हम पालते थे, पकड़ के अंदर कर दिया, छोड़ दे रहा। कारण क्या बता? परमिट के तो लिए परमिट क्यों नहीं बनाते हैं? तो अप्लाई करते हैं, नहीं मिलता है। कारण क्या बताया जाता है नहीं मिलने के पीछे, क्या कारण बताया जाता है? यही बताया जाता है कि अब नहीं मिलेगा परमिट। क्यों? उतना बात नहीं करता है ना हम लोग ड्राइवर लोग से, आरटीओ या डीटीओ उतना बात ही नहीं करता है। जी हाँ, यह तो एक समस्या बड़ी है कि 23,000 ऑटो का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है और मात्र 2300 चलने की बात हो रही है, जिससे ऑटो चालक नाराज हैं। इनकी समस्याओं को सरकार को समझना होगा
तभी इनके जीवन में भी उजाला आ सकता है, इनके बच्चे भी आम बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं। रूपम प्लस और कैमरामैन दिनेश के साथ मैं संजय समर, रांची।